हेलो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आज हम लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, उम्मीद है वो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आज हम लेके आए हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है क्या? हमारे डेली लाइफ में जो जितनी भी वर्क प्लेस होती हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें नीड होती है कैलकुलेशंस की। ठीक है, कैलकुलेशंस के कई सारे अपने मेथड्स होते हैं, किसी का अपना नेचर होता है। कुछ कैलकुलेशन हम लोग फिंगर से भी कर लेते हैं जो कि सिंपल कैलकुलेशन होती है। लैंग्वेज कैलकुलेशन जैसे साइंस और इंजीनियरिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की हेल्प से हम उस टास्क कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। और अगर आप डिजिटली बात करें इस कैलकुलेशन की, तो ऑफिस सूट में एक एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से हम टफ से टफ कैलकुलेशन को एक इजी वे में और एक्यूरेसी के साथ हम कर सकते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन एक ऐसा टूल है जिसका यूज किस लिए होता है, टू परफॉर्म ऑल काइंड्स ऑफ कैलकुलेशन ईजली एंड एक्यूरेटली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले ही जानते हैं व्हाट इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो स्टोर मैनिपुलेट एंड क्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। यूजर कैन एंटर डाटा इनटू अ स्प्रेडशीट, डू द फॉर्मेटिंग, कैलकुलेट एंड एनालाइजिंग द डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है जो आप स्टोर कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब इमेजेस के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डाटा को। और यू कैन एंटर डाटा इन टू स्प्रेडशीट, आप डाटा को स्प्रेडशीट में एंटर करते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब है आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट चेंज, फॉन्ट स्टाइल का यूज भी कर सकते हैं। कैलकुलेट भी कर सकते हो आप डाटा को और एनालाइज भी कर सकते हो फॉर डिसीजन मेकिंग के पर्पस से। बिसाइड्स यूजर्स डाटा स्प्रेडशीट पैकेज ऑल्सो प्रोवाइड बिल्ट इन अ फॉर्मूला एंड फंक्शंस फॉर कॉमन मैथमेटिकल, फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन इन वेरी सोफिस्टिकेटेड मैनर्स। यूजर्स क्या कर सकता है इसके अलावा, स्प्रेडशीट का पैकेज जो आपको प्रोवाइड करता है कुछ फॉर्मूलाज हैं, फंक्शंस का भी यूज कर सकते जो कि बिल्कुल ही कॉमन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से भी होता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, स्टैटिस्टिकल भी है, और कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस का यूज करते हुए आप उसको एक पर्टिकुलर मैनर्स में अपना फॉर्मूलाज क्रिएट कर सकते हो और इजी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ पैकेज आर वाइडली यूज फॉर डाटा एनालिसिस एंड अकाउंटिंग एप्लीकेशन। ये इस टाइप के जो पैकेज हैं वो आपको डाटा एनालाइज करने के लिए प्रोवाइड होते हैं और अकाउंटिंग के पर्पज से प्रोवाइड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एबिलिटीज द स्प्रेडशीट पैकेज आर यूज्ड एज अ यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर स्ट्रक्चर्ड डाटा प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्रेडशीट बिकम द लार्जर दे बिकम द डिफिकल्ट टू मैनेज टू हैंडल द इंक्रीज साइज ऑफ स्प्रेडशीट। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कबुक वॉज आइडेंटिफाइड। जो स्प्रेडशीट है बहुत लार्जर एरिया में है जिसका यूज आप डिफिकल्ट मैनेज कर भी कर सकते हो। डिफिकल्टी भी होती है मैनेज करने में, अगर आप प्रॉपर वे में उसमें काम करो तो ईजी से आप मैनेज कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा साइज के डाटा के स्प्रेडशीट में आप हैंडल कर सकते हैं। यही वर्कबुक का कॉन्सेप्ट है जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ध्यान होगा हमने जो स्प्रेडशीट के कैलकुलेशन को किया था वो हमने किस पे किया है, लेबर ऑफिस पे। इससे पहले हमने क्या किया था, लेबर ऑफिस राइटर का यूज किया था। आज हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या कहते हैं, लेबर ऑफिस कैल्क। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, लेबर ऑफिस कैल्क इज यूज फॉर स्प्रेडशीट कैलकुलेशंस। राइटर्स
डिजिटल ऑटोमेंटेशन का जो हमने किया था वो किस पे किया था? लेबर ऑफिस राइटन में। इसमें हम किस पे कर रहे हैं वर्क? लेबर ऑफिस कैल्क। जैसे नॉर्मली आप कहते हो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जब आपको वर्ड डॉक्यूमेंट पे कुछ काम करना है तो एमएस वर्ड आप ओपन करते हो, और कैलकुलेशन का काम करना है तो आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हो, और प्रेजेंटेशन का यूज करना है तो आप किस पे करते हो? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे। वैसे ही इसमें भी, इस लेबर ऑफिस में भी इसके कुछ पैकेट्स हैं जिसके नेम डिफरेंट हैं थोड़े से, जिस नेम को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जिस नेम की हम बात कर रहे हैं वो है लेबर ऑफिस कैल्क। किस लिए यूज किया जाता है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या एफिशिएंसी है इसकी, और इसकी एक्यूरेसी कितनी है वो हम आपको बताते हैं। पहला कि ये टेबलेशन ऑफ डाटा, टेबलर फॉर्म में आपको डाटा प्रोवाइड होता है। दूसरा, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन का यूज भी कर सकते हो फॉर्मूलाज एंड फंक्शन के थ्रू। डाटाज को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में विद द हेल्प ऑफ शॉर्टिंग। फिल्टर का यूज कर सकते हो डाटा पे, वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं, प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं फॉर फर्दर फ्यूचर यूज के लिए। दी ज्यादा एक्टिविटीज टू परफॉर्म द टास्क इन द लेबर ऑफिस कैल्क। उसके अलावा मैंने ये देखिए नीचे कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिखे हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑफिस एक्सेल पे ऑफिस पे आप काम कर सकते हैं, डिफरेंट ऑफिस होते हैं। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से अगर आपसे पूछा सकता है नेम एनी फोर लेबर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, तो कौन कौन से हैं? एक है मैंने आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, दूसरा है लेबर ऑफिस कैल्क, तीसरा है ओपन ऑफिस कैल्क। ये भी ओपन ऑफिस फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा है, अगर आप एप्पल की एप्लीकेशन पे आप जाते हो तो एप्पल में क्या होता है, एप्पल इंक नंबर्स के नाम से ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं लेबर ऑफिस कैल्क को? तो दे रखा है द वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप बाई वेरियस सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन। कई टाइप की एप्लीकेशन है स्प्रेडशीट की जिसको वेरियस सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन ने क्रिएट कर रखा है, जिसमें हम किस पे बात कर रहे हैं, लेबर ऑफिस कैल्क की, जो कि आपको लेबर ऑफिस सूट के अंदर मिल जाएगा। स्टार्ट करने के लिए इंस्टॉलिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स। ये जो स्टेटमेंट में लिखा है इसलिए लिखा है बेटा कि जनरली हम लोग जो विंडोज़ का यूज करते हैं वो कौन सी विंडो होती है, विंडोज़ 7, 10 जो बेसिकली यूज कर रहे हैं, 13 ठीक है। उसके अलावा भी एक विंडो होती है लाइनेक्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं उबंटू, जो कि लेबर ऑफिस इंस्टॉल करने के लिए इजी है। ईच कंपोनेंट्स आपके इजीली डिस्प्ले होते हैं, ठीक है। बेसिकली कि ये लाइनेक्स के लिए भी कर रखा है, हमने इसको विंडोज में इंस्टॉल किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने का प्रोसेस मैंने आपको अपने डिजिटल ऑटोमेशन के फर्स्ट वीडियो में बताया था, जिसका नाम है क्लास 9 डिजिटल ऑटोमेशन डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट। उसमें आपको ये वीडियोस डाउनलोड करने का, ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। आपको लगभग हाफ वीडियो के बाद वो प्रोसेस बताया हाउ टू डाउनलोड लिबर ऑफिस कैल्क। अगर आपको आपने वीडियो नहीं मिली है, अगर आप दोबारा इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप कैल्क से देख रहे हैं, तो आप मेरी डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वीडियो में जाएं और वहाँ पे जाके वीडियो दे सकते हैं। पूरा एड्रेस है, आपको पहले यूट्यूब चैनल पे जाना होगा, वहाँ पे जाके आपको टाइप करना होगा PPJ स्टडी एट होम। प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट के अंदर मिलेगा क्लास 9th IT के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट है। उस IT में आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन 1 के नाम से एक वीडियो मिलेगी, उसमें आप इस इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देख सकते हैं, ठीक है। फ्री वेयर सॉफ्टवेयर है, इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उसको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता, एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं देना पड़ता, आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो मैं आपको सिर्फ इमेजेस के थ्रू ही बता रहा हूँ कि हाउ टू ओपन लेबर ऑफिस, स्टार्ट कैसे करते हैं लेबर ऑफिस कैल्क को विंडोज़ में। देखिए दो ऑप्शन हैं,
आपके सामने दे रखा है इन विंडोज़ फाइंड द शॉर्टकट ऑफ लेवर ऑफिस और स्टार्ट मेन्यू और ऑन डेस्कटॉप। तो शॉर्टकट आपके लेवर ऑफिस का स्टार्ट डेस्कटॉप पे अगर है तो आप कर सकते हैं, स्टार्ट मेन्यू में आपके सामने लेवर ऑफिस 5 को पे क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली ही भी करके दिखाता हूँ कि हाउ टू ओपन द लेबर ऑफिस कैल्क। क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को ओपन करते हैं, फिर एक दो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक किया और ये देखिए लेबर ऑफिस ये रहा, लेबर ऑफिस 6.4 क्लिक किया मैं यहाँ पे और आपके सामने ये देखा है लेबर ऑफिस कैल्क। ठीक है, और दूसरा प्रोसेस क्या है कि आप सर्च बटन पे आपने क्या टाइप किया, लेबर ऑफिस लेबर ही आपने टाइप किया, देखिए आपके सामने एप्स की इंफॉर्मेशन आ गई है। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है, लेबर ऑफिस कैल्क क्लिक करते हैं, लेबर ऑफिस कैल्क आपके सामने ओपन हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है ओपन होने में, लेकिन ये देखिए डिस्प्ले हो गया आपके सामने लेबर ऑफिस कैल्क। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जब लेबर ऑफिस कैल्क लॉन्च हो जाता है तो देखिए आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, टू स्टार्ट लेबर ऑफिस कैल्क इन द लाइनेस इन वन टू लाइनेस, फाइंड द कैल्क आइकन। ये लिनक्स विंडोज डिस्प्ले कर रही है आपके सामने जो कि मैंने आपको दिखाया 4.2 में। यहाँ देख के आप इसको अंदाजा ला सकते हैं कि लेबर ऑफिस 11.2 में किस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन भी है कि आप कैसे क्लिक करेंगे, एक आइकन आता है लेबर ऑफिस रोड का, उस पर क्लिक करेंगे तो लेबर ऑफिस कैल्क डिस्प्ले हो जाएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। नेट्स पार्ट्स ऑफ लेबर ऑफिस कैल्क, लेबर ऑफिस के कैल्क के कौन कौन से पार्ट हैं देखिए बड़े ध्यान से, क्योंकि इसमें मैंने आइकन के थ्रू इंडिकेट किया है। ये जो आइकन दिख रहा है जिसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार के जस्ट लेफ्ट कॉर्नर में होता है, टाइटल बार हो गया ऊपर टॉप पे, टाइटल बार रिबन हो गए जहाँ पर आपके सारे आइकन और फाइल एडिट मेनू स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार शो हो रही है, भी ज़्यादा रिबन्स इसको हम कहते हैं, जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज और क्रॉस का बटन होता है इसको हम कहते हैं कंट्रोल बटन। फिर ये रखा है नेम बॉक्स, नेम बॉक्स आपको कॉर्नर में मिल जाएगा। रो हेड इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल, इसको कहते हैं इंसर्ट फंक्शंस। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला बार, अगर आपने इस फॉर्म में लिखा है दैट इज कॉलम हेडिंग। ये हो गई आपकी फॉर्मेटिंग टूल बार, ये है वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको हम कहते हैं रो हेडिंग। मैं इसको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ मैं आपके सामने, ये देखिए इस कॉर्नर पर दिखाई दे रहा है आपको क्विक एक्सेस टूल बार, अनटाइटल वन लिखा हुआ है, इसको हम टाइटल बार भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं कंट्रोल बटन। आपको डिस्प्ले का के अकॉर्डिंग ही दिखा रहा हूँ मैं इसको, इस पार्ट को कहते हैं। ये हो गया आपका फॉरवर्डिंग टूल बार, नेम बॉक्स, ये हो गया इंसर्ट फंक्शंस, कौन से आप इंसर्ट कर सकते हो, कौन कौन से जो भी आप फंक्शन का यूज करोगे, सम एवरेज मिन मैक्स काउंट। इसके अलावा ये हो गया फॉर्मूला बार, ये है कॉलम हेडिंग। ठीक है, कॉलम हेडिंग अपोजिट ऐसे होती है वर्टिकली, एंड रो हेडिंग होती है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, फिर आ गया एक्टिव सेल, तो मेरे ख्याल से आपका टॉपिक ये है आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार, शीट और जूम बटन ये दे रखा है नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट वीडियो में आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और
आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।